वायरल वीडियो में कार्बाइन से हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त विजय प्रताप सिंह को खोराबार थाने की पुलिस व एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से किया गिरफ्तार। वीडियो में प्रयुक्त अवैध असलाह कार्बाइन को किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शहीद रविंद्र सिंह के परिवार से उनके घर पहुंचकर किया मुलाकात। कहा, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर का तेजी से हुआ विकास, पीड़ितों को परेशान करने वाले अपराधियों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। गुरुवार की रात शीला देवी नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र का। सीओ कोतवाली ने कहा, पुलिस को आग लगने की मिली थी सूचना, पहुंचने पर परिजनों ने बुझा दिया था आग। घर में मिला था एक मृत महिला का शव, भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन 6 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन, 13 जनवरी से 16 जनवरी तक होगा पर्चों की जांच, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को होगी मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जवाहर यादव की 290 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने किया जब्त। अब तक 4,16,05,01,200 रुपए की अवैध संपत्ति किया जा चुका है जब्त, बाकी संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई है प्रचलित, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। एक 170 क्रय केंद्रों पर की जा रही है धान की खरीदारी, निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 60% धान की जा चुकी है खरीदारी। एडीएम फाइनेंस ने किसानों से की अपील, कहा अपने धान को क्रय केंद्रों पर ले जाकर ही बेचें। गाड़ियों की चेचिस नंबर को कूट रचना कर अदला बदली करते हुए फर्जी तरीके से कागजात बनवाकर चार पहिया वाहनों का विक्रय कर धन अर्जित करने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों अज्जू उर्फ दिलशाद और राशिद अली को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कार, गैस कटर, गैस सिलेंडर, सरसी, छीनी, हथौड़ी किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें, 2 ट्रेनों का मगहर और नकहा स्टेशन पर किया गया है अतिरिक्त स्टॉपेज। रेगुलर पैसेंजर ट्रेनों में भी लगेंगे अतिरिक्त कोच, श्रद्धालुओं को नहीं होगी किसी भी प्रकार की असुविधा, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर लग्जरी वाहनों की बिक्री करने वाले अंतरजनपदीय दो शातिर अभियुक्तों औरंगजेब उर्फ कक्कू और प्रिंस कुमार मिश्रा को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री रामलीला समिति आर्यनगर के तत्वाधान में 8 जनवरी से 12 जनवरी तक मानसरोवर स्थित श्री रामलीला मैदान में आयोजित होगा 5 दिवसीय श्री हरि कथा यज्ञ। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन एवं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संयोजक स्वामी अर्जुनानंद ने दी जानकारी। एक मोटरसाइकिल चोर दीपक उर्फ काला कौआ को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक चोरी की मोटरसाइकिल को किया बरामद, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। गर्म कपड़ों के मार्केटों में ठंडी की वजह से आई गर्मी, टाउन हॉल मैदान में गर्म कपड़ों का मार्केट है गुलजार, ग्राहकों की लगी है भीड़, दुकानदारों के खिले चेहरे, कहा ठंडी की वजह से अधिक हो रही है बिक्री। और जनपद में शुक्रवार को 7वें दिन भी ठंड का सितम रहा जारी, दोपहर बाद सूर्यदेव के हुए दर्शन, लोगों को मिली थोड़ी राहत, लेकिन शाम को पछुआ हवाओं की वजह से बढ़ी गलन। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आने वाले दिनों में अभी कोहरा और शीतलहर की बनी रहने की है संभावना।